आदरणीय अध्यक्ष, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न परिवहन मंत्री जी से था कि महिलाओं को राजकीय परिवहन यात्रा के लिए क्या मुफ्त में बस सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष जी, जब मैंने ये सवाल पूछा था और लगाया था, तब मेरे मन में था कि जो हमारी ग्रामीण बातचीत नहीं प्लीज हमारी बेटियां हैं जो आए दिन कॉलेज आने जाने में जिन्हें असुविधा महसूस होती है, हमारे ग्रामीण अंचल की जो महिला किसान हैं, हमारी प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं, समूह सखियां हैं, आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, महिला जो सफाई कर्मी हैं, पीएससी सीएससी पे काम करने वाली हमारी जो महिला बहनें हैं, हमारी महिला बीएलओ हैं, उन सबको सोचते हुए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। बड़ी निराशा हुई अध्यक्ष जी, और साथ ही साथ ये भी आपके उत्तर से पता चला कि यह सरकार महिलाओं को लेके बहुत ही संवेदनहीन है, क्योंकि आपके उत्तर में ये आया कि हम 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जो महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त में बस यात्रा के लिए सुविधा दें या ना दें, उस पर सरकार जो है वो विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में यह सरकार 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त में बस सुविधा देने पे विचाराधीन है, और कब तक विचार करेगी? मंत्री जी, कृपया ये बताएं कि आप कब तक विचार करेंगे। मैंने तो पूरी महिलाओं की बात की थी, आप 60 साल से ऊपर की महिलाओं को भी मुफ्त में ट्रेवल अलाउंस नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री जी, आपने और आपके विभाग ने इलेक्ट्रिक बसेस की बात की थी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुल उन इलेक्ट्रिक बसेस में कितनी पिंक बसेस हैं जो चल रही हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और उन पिंक बसेस में क्या महिलाओं को मुफ्त में ट्रेवल करने के लिए सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई गई है या बनाई जाएगी, और बनाई जाएगी तो कब तक बनाई जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प में है, और मैं प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द जो है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद उसको जो है हम घोषणा करने वाले हैं। और आगे पूरा जवाब दीजिए। 7 वर्ष हो चुके हैं, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके इसको थोड़ा जल्दी करा दें। साथ ही साथ हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी से मैं एक आश्वासन चाहूंगी, क्योंकि मंत्री जी ये जो सवाल है यह सिर्फ जनता के संरक्षण, और मैं मछली शहर विधानसभा से चुनकर आती हूँ तो वहाँ के संरक्षण और साथ ही साथ परिवहन विभाग के भी संरक्षण की आपकी संरक्षण की जरूरत है, इसलिए है क्योंकि हमारे मंत्री जी समय लोक निर्माण विभाग के नहीं है। वहाँ पे मछली शहर जंघई मार्ग 20 किलोमीटर का मार्ग है, और मंत्री जी वो इतनी ध्वस्त और इतनी ही बुरी अवस्था में है कि वहाँ पे जो आपकी सरकारी बसें चल रही हैं वो चल चल के उनकी स्थिति और बद से बदतर होती चली जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया करके उस पे चलिए, वो आपके आप सड़क की वजह से आपकी बस टूट रही है ये कह रहे हैं, सड़क को बनवा दें। 7 साल से आप विचाराधीन है, कृपया करके महिलाओं के लिए फ्री सुविधा दिलाने का कष्ट करें मंत्री जी।